पांव अभी नीचे रखना नहीं है इतना संदीप को, तो ये अभी धीरे 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 हो रहा है इसमें अभी भी, ये देखो ऐसे ही। हमने कहा है कि ऐसे में हम पट्टा नहीं बांध सकते। नक्शु भाई, ये जिस दिन एक्सीडेंट हुआ ना उस दिन की मैं आपको बात बताऊं क्या हुआ था। सही ना, देखो भगवान खुद से नहीं आते ऊपर आपको बताने के लिए सब। सुबह के 7 बजे और आज मेरी वेकेशन पूरी और अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल। अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल। तो नक्शु हो चुका है रेडी, नई नई ड्रेस में, नई यूनिफॉर्म, नए सॉक्स, नए शूज, शूज बाहर है अभी पहनने बाकी है। तो नक्शु का बैग भी रेडी है और नक्शु भी रेडी है। नक्शु आज एक्साइटेड है तू स्कूल जाने के लिए? आज पढ़ाएंगे नहीं इसलिए एक्साइटेड है। लंच बॉक्स और वाटर बॉटल। हेलो गाइस, सबको गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। और अभी बजे हैं सुबह के 7 और नक्शु हो गया रेडी। क्या है अंदर? दूरी है अंदर, तेरी बनियान है और कहाँ ये है। तो नक्शु हो गया रेडी एकदम चकाचक हीरो हो बन जाए। और नक्शु कल रात को सोया था ना, वैसे सुबह उठाओ ना स्कूल के लिए तो उठता नहीं है, लेकिन आज सुबह उठने के बाद उसे सब नया नया पहनना था ना, तो नक्शु को नई चीज पहनने में बहुत मजा आता है। कोई भी नई चीज आती है ना घर में तो उसको ऐसे होता है कि मैं ये कब पहनू कब पहनू। जैसे कि छोटी सी छोटी चीज, जैसे सॉक्स भी नए आएंगे ना तो उसको ऐसा होगा कि मैं अभी नए पहन लू पहले। तो आज नक्शु ने ना ऊपर से नीचे तक सब कुछ नया पहना है, यूनिफॉर्म नई है, शूज नए, सॉक्स भी नए। तो नक्शु कल रात को सोया तो मुझे बोल के सोया था मम्मी सुबह मुझे जल्दी उठा देना, तो आज मैंने ऐसा किया खाली नक्शु तो फटाफट उठ गया। मैंने उसको कान में ये बोला तुझे सब नया नया पहनना है ना, चल जल्दी उठ जा, वो उठ गया। तो चलो हीरो रेडी है हमारा, चलिए इसे स्कूल छोड़ के आती हूँ। बाय बेटू। नक्शु बाय। हेलो गाइस, सबको जय श्री कृष्ण है। तो आज इतने दिनों के बाद मैं कर रही हूँ ब्लॉग की स्टार्टिंग और नक्शु तो जा चुका है सुबह सुबह स्कूल, आज उसका पहला दिन था तो मस्त रेडी होके। 4-5 दिन से क्या हुआ था आप सबको पता ही है, जो कि नक्श संदीप का हुआ था एक्सीडेंट, तो फिर मैं उसी में पड़ी थी। तो फिर मन ही नहीं था इतने दिनों से ब्लॉग व्लॉग करने का और मेरे पास टाइम भी नहीं था क्योंकि थोड़ा मेरे पे भी काम का लोड थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। तो आज जाके फाइनली, आज पूरे 8 दिन हुए हैं, आज ही के दिन संदीप का एक्सीडेंट हुआ था, आज मंगलवार है और आज पूरे 8 दिन हुए हैं। तो 8 दिन में अभी थोड़ा थोड़ा बेटर है, अभी संदीप को थोड़ा बेटर है। तो ये घोड़ी के सहारे संदीप अभी चल रहे हैं और पाँव में पट्टा तो नहीं बंधा है क्योंकि देखो मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे अभी पाँव संदीप को इतना रखना नहीं है, पाँव अभी नीचे रखना नहीं है इतना संदीप को। तो ये इससे इसके सहारे अभी धीरे धीरे संदीप चल रहे हैं। आज पूरा 8 दिन हुआ संदीप, क्या कहना है आपको, क्या कहना है? अभी कैसा है आपको? वैसे का वैसा ही। ये दरवाजा मैं बंद कर रही हूँ क्योंकि बाहर की रोशनी आ रही है ना तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा फोन में। आपको कैसा लग रहा है, बेटर नहीं लग रहा? अभी तो मेन पार्ट बाकी है। देखो अभी ये हाथ में इधर करो, ये हाथ में चलता है, खिंचाता है। ये हाथ में अभी ऐसी कंडीशन है क्योंकि ये कंडीशन कुछ ऐसी है अभी संदीप की, तो यहाँ पे तो पट्टी वट्टी तो बांधेंगे नहीं, ये ऐसे ही खुला ही रखना है। तो ये अभी धीरे 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 हो रहा है इसमें अभी भी, ये देखो ऐसे ही पूरा खींचा रहा है। ये यहाँ से यहाँ पे था, अभी यहाँ पे ठीक हो गया है। और ये पाँव देखिए, तो ये पाँव की कंडीशन अभी ऐसी है। और यहाँ पे ना सडनली मैं आपको बताऊँ, ये अभी भी थोड़ा है ना, ये जख्म सूखा नहीं है, यहाँ पे लाल 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 अभी भी है। तो ये डॉक्टर ने कहा है कि ऐसे में हम पट्टा नहीं बांध सकते। तो देखो मैं इनको ऐसे कर रही हूँ ना तो अभी संदीप को ऐसे दर्द हो रहा है। तो अभी तो ये घोड़ी है इसके सहारे अभी चल रहे हैं यहाँ से वहाँ। कौन है?
ये वाली गोली दूसरी दूसरी गोली मैं हूँ। तो अभी तो तू ही दौड़ रही है ना, तो दौड़ना तो पड़ेगा ना, घर में आप और मैं और नक्श है और कौन है फिर? तो अभी के जो सब इनके काम है दौड़ने वाले, बाहर के बैंक का काम होता है, जो ये काम पे जाते हैं वहाँ पे थोड़ा काम होता है, तो सब जगह मुझे ही जाना पड़ रहा है, इसलिए मेरा काम का लोड थोड़ा हो गया है ज्यादा। तो मुझे भी ब्लॉग बनाने का थोड़ा कम था मन कि क्या बात करूँ क्या नहीं, क्योंकि घर में भी सब ऐसा हो गया था, संदीप को ये प्रॉब्लम हो गई थी उसकी वजह से भी थोड़ा, लेकिन चलो ठीक है, अभी सब धीरे 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 सेट हो रहा है, ठीक हो रहा है। आज पूरे 8 दिन हुए हैं, तो आज सोचा चलो आज सुबह से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देते। पहले तो सुबह से मैं नक्श गया स्कूल, नक्श आज बहुत खुश था, स्कूल जा रहा था और उसको सब नए नए कपड़े पहने, नए शूज़ पहने, तो वो हैप्पी था। फिर उसके बाद सोचा आपको संदीप से भी मिला ले, क्या संदीप की संदीप की अभी क्या कंडीशन है पाँव की और उनकी। तो ऐसे जो पहले थी, जो 8 दिन पहले उनको दर्द था, 2 दिन जाओ ज़्यादा तकलीफ थी, अभी 8 दिन हुए ना तो वो थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी अभी हम हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये पाँव में सूजन कम नहीं हो रही है। सूजन मतलब होगी कम, कल भी दवाई दी है डॉक्टर ने, दवाई दिए एक मिनट, तो ये दवाई दी है डॉक्टर ने सूजन कम होने की, और ये कल मैं सेवलॉन भी लेके आई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि इससे आप गर्म पानी से या किसी से भी ये जो यहाँ पे जख्म है ना इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से साफ करो, और फिर दवाई दी है, टूप दिया है, वही लगा, टूप तो अभी भी लगा ही रहे हैं, लेकिन अभी कहा है कि इससे साफ करने के बाद उसको टूप लगाओ। तो मुझे याद है लास्ट गए मंगलवार के दिन, ट्यूसडे के दिन हम लोग गए थे, ट्यूसडे को संदीप आए थे खाना खाने और बाहर गए, सडनली ऐसे फोन आया मुझे एक्सीडेंट हुआ है। पहले तो मेरी हो गई थी सिट्टी पिट्टी गुम कि कैसा क्या हुआ है, जैसे देखो जब तक आप किसी का ऐसे सुनते हैं घर के भाई जो अपने घर का सदस्य होता है उसके बारे में ऐसा सुनते हैं कि एकदम से क्या एक्सीडेंट हुआ है या किसी को कुछ हुआ, तो पहले तो दिमाग में कैसी बातें आती है कि क्या हुआ होगा, कैसा एक्सीडेंट हुआ होगा, जब तक आप उसे देखे नहीं तब तक आपके मन को तसल्ली नहीं होती। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था, और अभी हो गए बराबर के बोर, क्या करूं घर पे बैठ बैठ के, तो बस यही था। और अभी नक्श का आने का तो टाइम है स्कूल से, तो देखते हैं अभी 1-2 दिन और दवाई लेंगे, दवाई लेंगे उसके बाद सूजन अगर कम हो जाएगी ना तो फिर इस पे आएगा प्लास्टर, प्लास्टर आएगा मतलब 20-25 दिन का प्लास्टर तो आएगा उसके बाद ही। इसमें क्या है ना, क्योंकि ये मैं आपको दिखाऊं, ये पाँव है ना जैसे संदीप का, इसमें ये पीछे की जो डॉक्टर ने कल समझा रहे थे, भाई हम तो डॉक्टर है नहीं जो हमें इतना पता चला, लेकिन वो मुझे समझा रहे थे कि देखो ये जो पाँव जिस ये जो अपना मेन पाँव में हड्डी होती है ना उसमें फ्रैक्चर नहीं है, जो ये पाँव के पीछे भी एक सपोर्ट के लिए होती है हड्डी, सपोर्ट के लिए हड्डी होती है, तो उसमें क्रैक हुआ है, तो उसमें क्रैक हुआ है। अगर इस वाली में हुआ होता ना तो डॉक्टर ने कल कहा कि उनको ऑपरेशन करवाना पड़ता, वो ऑपरेशन से ठीक होती है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, एक्सरे में दिख रहा था कि पीछे वाले जो सपोर्ट की हड्डी होती है ना उसमें क्रैक आया है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, उसमें अगर ये सूजन कम होगी प्लास्टर आ जाएगा तो रिकवरी हो जाएगी, 20-25 दिन या 1 महीने में रिकवरी हो जाएगी, तो अभी इनको ध्यान देना है। निकल जाया 1 महीना, तो 8 दिन देखो कैसे निकल गए। और मैं आपको बताऊं एक वीडियो मेरा पहले भी मेरा ऐसा ही डला हुआ है, मतलब के वो उस वीडियो हम लोग कल ही देख रहे थे, डला हुआ है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो मेरा यूट्यूब पर ही आगे 5 महीने पहले जाके आगे जाएंगे तो वीडियो दिखेगा, उस वाला वीडियो में भी यही है, वो तब सीढ़ियों से पांव स्लिप हो गया था इनका, पता नहीं क्या चलता रहता है जब देखो तब, क्या मालूम मुझे एक्सीडेंट ही हुआ होगा, तभी बताऊं क्या हुआ था। मेरा हाथ में इसमें दर्द हो गया, अभी मैंने ऐसे पकड़ा है, तभी इन्होंने आके मुझे बता के इन्होंने मुझे बताया ना, तभी भी मुझे नहीं बताने वाले थे, इनको पता है कि कविता मुझे बोलेगी कि गाड़ी पास चला रहे हो, तो इनके पाँव में हो गया था तभी मौज आ गई थी, तभी मुझे ऐसा लगा कि फ्रैक्चर वेक्चर तो नहीं होगा, तो मुझे रीजन बताया कि मैं सीढ़ियों से मेरा पाँव स्लिप हो गया। लो इनके पट्टे का और इनका कुछ चलता है पता नहीं, वाइट कपड़ा, चलिए यही थी हमारी अपडेट, और देखते हैं अब धीरे धीरे धीरे, पता नहीं इनको क्या शौक है। तो देखो ये ना मैं आपको सच्ची बात बताएं, हमारे ये जिस दिन एक्सीडेंट हुआ ना उस दिन की मैं आपको बात बताऊं क्या हुआ था। थोड़ी देर पहले हम लोग कहीं गए थे तो रस्ते से आ रहे थे, तभी भी इन्होंने थोड़ी गाड़ी गड़बड़ चलाई ना, तो मैंने इन पे चिल्लाया, मैंने कहा आप कैसे चला रहे हो, तो इनके मुंह से क्या निकला बताएं, इनके मुंह से ये निकला क्या मेरा एक्सीडेंट होता है क्या, तू बार बार चिल्लाती रहती है ऐसा, मैं ठीक से नहीं चलाता गाड़ी। अब देखो ये बोलते हैं ना कि कभी अपने मुंह से क्या निकल जाता है, ऐसा बोल रहे थे थोड़ी देर पहले,
इसलिए किसी को कभी टोकना नहीं चाहिए। तो ऐसा थोड़ी देर पहले हम लोग बाहर से आए ना, तो इनके मुंह से ऐसे वर्ड निकले कि मेरा एक्सीडेंट होता है क्या, तो ऐसा बोलती है हमेशा 10 मिनट के बाद एक्सीडेंट। और बस मैं मतलब थोड़ी देर के बाद हम लोग आए घर पे बैठे और ये गए ना, थोड़ी देर में ही इनका कॉल आया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो देखो ऐसे मुंह से वर्ड कभी नहीं निकालने चाहिए, को भी थोड़ी अक्कल आई है। बोल रहे हैं कि भाई नहीं अभी मैं भी धीरे ही चलाऊंगा गाड़ी। मैं ऐसा बोल रहा हूँ किसी को टोकना नहीं चाहिए। टोकना नहीं चाहिए, टोकना तो टोकूंगी तो सही ना। देखो भगवान खुद से नहीं आते हैं ऊपर आपको बताने के लिए सब कि ये मत करो या वो मत करो, किसी ना किसी के जरिए आपको बताते हैं। तो आपके साथ मैं हूँ तो मैं तो आपको बोलूंगी ना। क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो, टोकना नहीं चाहिए क्या? आप जो ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहे थे वो बोलना नहीं चाहिए। तो फिर सही है, मैंने तो बोला ना, हो गया मैंने बोला। टोकूंगी तो सही ना, देखो ये गलत गाड़ी चलाएंगे अगर फास्ट चलाएंगे या ऐसे करेंगे तो मैं तो टोकूंगी कि भाई आप क्या कर रहे हो, थोड़ा शांति से चलाओ, देर से भी पहुंचना है जल्दी भी पहुंचना है। और आए ना उस दिन जाना था इनको माल की डिलीवरी देने जाना था ना, तो फास्ट फास्ट करके भागे, मुझे जाना है जल्दी करो, वो काम तो हुआ ही नहीं उस दिन। वो डिलीवरी जो देने जाने वाले थे ना वो तो कर ही नहीं पाए। अभी देखो अभी हम बैठे हैं ऐसे तो हंस रही हूँ मैं या इनको मस्ती सूझ रही है, लेकिन 8 दिन पहले जो मेरी कंडीशन थी और इनकी कंडीशन थी वो मुझे ही पता है। देखो ये सब मेरा नक्श हाथ में नहीं आ रहा था, नक्श कितना रो रहा था, तो आपको उसके बारे में तो सोचना चाहिए ना। वो तो अभी बेचारा, मेरा बच्चा 8 साल का है, मैं तो चलो हम तो बड़े हैं समझते हैं। डांट फटकार लगा दी ये हमारी अपडेट 8 दिन के बाद आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। अरे तू हथौड़ा नहीं रख इधर, क्या है अभी? अरे कुछ नहीं, ठीक हो गया थोड़ा थोड़ा, 8 दिन से पहले, 8 दिन जो पहले कंडीशन थी अभी तो बेहतर है। तो अभी ये धीरे धीरे ठीक होगा और 2-3 दिन में देखते हैं, अभी सूजन कम हो जाएगी तो प्लास्टर लगवा देंगे फिर रेडी। प्लास्टर होने के बाद कलर बलर पुताई सब हो जाएगा, फिर आपको नया मकान दिखा देंगे। लापी भरेंगे पहले, लापी भरेंगे फिर प्लास्टर होगा, फिर लापी लगा के सूखने के बाद कलर करेंगे। ये लापी लगाई है ना आपने, ये देखो इन्होंने लापी लगाई है। मिसाई मिसाई नहीं करनी इसमें। वो पांव से ज्यादा इनको हाथ में दर्द हो रहा था, ये हाथ ही ऊंचा नहीं हो रहा था। हाथ की वजह से पूरा शरीर दुख रहा है। तो लगा ये देखो, ये रोड पे मतलब हाथ घिस गया था इनका, तो ऐसे लग रहा है जैसे जल गया है। देखो जलने से ज्यादा तकलीफ ऐसे पूरा लग। टेक्टिया में ड्राइवर, कार में भी ड्राइवर, चलने में भी ड्राइवर। चलने में ड्राइवर क्या, गोदी में लेके चलेगा क्या आपको ड्राइवर? ड्राइवर सजेशन देगा यहाँ पाव रखो के ना रखो, कोई एक्सीडेंट नहीं। तो ये सेवलॉन थोड़ा सा पानी में डाल के इसको करना है साफ। मैं करके दूं? मैं करूंगी तो आपको बिल्कुल सहन नहीं होगा, अपने हाथ से धीरे धीरे कर पाओगे ना तो करोगे। ये वाली ट्यूब की ये लगाने के लिए ये वाली जो स्किन जल गई है ना ये सब निकल जाएगी, अभी धीरे धीरे निकल भी रही है, फिर नहीं आएगी ना आपको यहाँ पे, तो ये सूख गया है।